आज हम बात करेंगे सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है। मैं शेयर प्राइस के प्रॉफिट्स के बारे में नहीं, एक्चुअली कौन से कंपनी सेल्स ग्रोथ हो रहा है और सेल्स ग्रोथ में अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। अर्निंग्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पी गिरेगा और पी को एवरेज करने के लिए प्राइस बढ़ते जाएंगे और आप शेयर पे भी मुनाफा कर सकते हैं। आज कुछ फंडामेंटल रीज़न जानेंगे जो कि सेक्टर को बूस्ट दे रहा है, कौन से कंपनी आगे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने moneycontrol.com में सेक्टर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में आकर आपको मैं दिखा रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में क्या चेंजेस आया। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में 100% का रिटर्न आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में बहुत बड़ा जंप आया है। उसी तरह अल्कोहल इंडस्ट्री में 81, ऑटोमोबाइल ऑटो एंसिलरी में भी 36% का ग्रोथ आया है। एविएशन उतना अच्छा नहीं किया है फिर भी 23% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया है। बैंक्स में आप अगर देखें 32% का ग्रोथ आया है। कैपिटल गुड्स होते क्या है, जो कंपनी जब बिठाया जाता है तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उससे कैपिटल गुड्स खरीदा जाता है। प्लांट एंड मशीनरी जो बड़ा सा एरिया होता है वही सारे कंपनीज। तो कैपिटल गुड्स में नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे रिजल्ट सो फार अगर देखें तो 85 200 कंपनी से एग्रीकल्चर में से ओनली 85 का रिजल्ट आया हुआ है और बाकी हंड्रेड्स के आने वाले हैं। तो ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में हम डिफरेंस देख रहे हैं वो जून और सितंबर क्वार्टर का, मतलब सितंबर का क्वार्टर जो रिजल्ट्स आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है। उसके बाद केमिकल्स में अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स गिरा है। 274 कंपनीज हैं केमिकल्स में, उसमें 192 कंपनीज का ही रिजल्ट्स आया हुआ है अभी तक और नेगेटिव है। तो अभी तक जितने स्टॉक्स देखे हैं, जितने सेक्टर्स देखे हैं, उसमें कैपिटल गुड और केमिकल्स का परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना अच्छा नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, सीमेंट हो गया या फिर बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं वो सारे कंपनीज अभी नेगेटिव हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स जो है वो इस क्वार्टर उतना अच्छा नहीं रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जंप आया है, डबल प्रॉफिट जंप आया है, मतलब 100% से ज़्यादा इनका नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है। पैकेजिंग इंडस्ट्री में नेगेटिव रिटर्न और डायमंड एंड ज्वेलरी में लगभग 12% का ग्रोथ आया। तो यहाँ तक देखेंगे, ये हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा और ईयर ऑन ईयर अगर देखें, लास्ट ईयर इसी वक्त से लेके इस ईयर के सितंबर, लास्ट सितंबर 2021 से इस सितंबर 2022 तक क्या ग्रोथ है। एग्रीकल्चर अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर देखे थे कि 100% का ग्रोथ आया था, उसी तरह ही एग्रीकल्चर में 79% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी आया हुआ है। अल्कोहल इंडस्ट्री लास्ट एक साल से और इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छा बनाया है। ऑटो एंसिलरी अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, जहाँ के 39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया था। अगर नेगेटिव चीज़ें देखा जाए जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गया, वो ईयर ऑन ईयर में इसमें कैपेक्स आया था लेकिन इस क्वार्टर में प्रॉफिट्स उतने नहीं बने। तो कैपिटल गुड्स में मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्री अभी हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में और नेगेटिव जा सकता है। केमिकल्स अभी के लिए उतना जंप नहीं है, साल भर साल और इस क्वार्टर में भी हल्का सा ही ग्रोथ है। यहाँ उतना भी ज़्यादा जंप नहीं है जिस तरह से शेयर प्राइस भागे। हो सकता है शेयर प्राइस में जो उछाल आया हुआ है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल साल दर साल भी नेगेटिव है और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है लेकिन साल दर साल में अगर देखा जाए इसमें ग्रोथ हुआ है। कंटेनर पैकेजिंग एंड डायमंड एंड ज्वेलरी में फिर से देखना चाहूँगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव दिखा रहा है लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखें तो डायमंड एंड ज्वेलरी और कंटेनर पैकेजिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ गिरा है, उसका डिग्रोथ हुआ है लेकिन डायमंड एंड ज्वेलरी में ये स्लोली ग्रो कर रहा है। तो हम इतने ही सेक्टर्स को देख रहे हैं तो इसमें अगर आप कोई स्टॉक्स ले रहे हो अभी फिलहाल के लिए, अगर इनमें से है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो ग्रोथ आया हुआ है उस स्टॉक्स के अंदर से आ रहा है, उसी सेक्टर्स के आ रहा है, तो हो सकता है उसमें और भी तेज़ी देखने के लिए मिल सकता है। तो आप अगर एग्री, अल्कोहल, ऑटोमोबाइल एंसिलरी, एविएशन या फिर बैंक्स, केमिकल्स
कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंटेनर पैकर्स, इन सब चीज़ों में अगर आपका स्टॉक बाई है तो हो सकता है इसमें ग्रोथ आए, लेकिन ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होगा, स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्टमेंट करें। आगे जाके और भी सेक्टर्स में एनालिसिस करूंगा और आपको डिटेल्स में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।